अभी ये तैयार हो गया है, पलट पलट करके इनको सेक लेंगे, खस्ता बने। ये देखो आवाज़ सुन सकते हैं इस तरीके से, देखो कटिंग करके भी हम देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये एकदम परफेक्ट। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, और साहब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी ब्रिज लाइव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो कि कमेंट आए थे आपके प्यारे प्यारे, तो जब कमेंट आए तो फिर वो चीज़ बनेगी, क्यों नहीं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे आ रहे हैं सूजी मावा के बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया। राम राम जी सभी को, राधे राधे। और आज सूजी और मावा के जो गुजिया बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक कटोरी सूजी लिए, मतलब एक कटोरी में थोड़ी कम है, और 250 ग्राम हमने खोवा लिया है, और एक नारियल का गोला है, इसको हम खुर रहे हैं, करमूजे के बीज 1 चम्मच, और 6-7 काजू, और 2 चम्मच किशमिश, 1 चम्मच चिरौंजी, और एक पिस्ता। ये दो आइटम आपको चाहिए ही चाहिए, और एक और है तगार, तगार और आती है उसको अभी आपको हम दिखाएंगे, और बाकी के ये जो आइटम है ये ना हो तो भी बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, को छोड़ सकते हैं, और अगर आपका मन है तो डालिए, नहीं मन है तो ना डालें, और ये तो जरूर ला, और इसको जरूर डालें। तो इसको अभी हम अपने काम में लगते हैं, इसको मैं कद्दूकस करता हूँ, जब तक सूजी को सोनी बूंज लेगी और हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो अभी हमने गैस पे कढ़ाई रख दी और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल पका के। हाँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, रिफाइंड घी वगैरह ले सकते हैं, जो काम हमको मिला है हम अपने काम को करते हैं। जब मिलेंगे गुजिया खाने के लिए हमको होली के स्पेशल, तो होली के स्पेशल गुजिया गुजिया बनने जा रहे हैं। और अभी हमने यहाँ पे आधा गोला कद्दूकस कर लिया है, ये दोबारा से दूसरी रेसिपी में काम में लेंगे, इतना ही काफ़ी है। ये देखो कितना बढ़िया मैंने यहाँ पे नारियल बुरादा खुर के तैयार किया है, और सोनी अभी तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, ये देखो चुपचाप। अभी मेरा तेल गर्म हो गया है, तेल गर्म हो गया, अभी डाल देंगे सूजी, सूजी डालेंगे। अभी इस तेल में हम सूजी को भूनेंगे, स्लो आंच, लो फ्लेम, एकदम गैस का लो फ्लेम रखेंगे। ऐसे ही चलाते चलाते भून लेंगे, ताकि जले ना। सोनी एक कमेंट आया था, बोल रहे थे कि इतने टाइम आप वीडियो बनाते हो दोनों बैठ के, इतने टाइम हमारे यहाँ पे बैठ के मियाँ बीवी बनाएंगे कुछ करेंगे, बैठ इतने टाइम बैठे भी रहेंगे तो पता नहीं 10 बार झगड़ा हो जाएगा इतने टाइम। मेरे को कमेंट पढ़ के बहुत हंसी आई, झगड़ा हमें भी होता है लेकिन हम क्या करते हैं पता है, जब झगड़ा होता है तो मैं बोलता हूँ सोनी आज क्या, कौन सी मिठाई लेकर हम, कौन सी मिठाई बनाएं आज, कौन सी रेसिपी बनाएं, बस ऐसे ही बातों बातों में झगड़ा का पता ही नहीं चलता, खत्म हो जाता है। सूजी को कब तक भूनेंगे, कलर आने तक, खुशबू आने तक, खुशबू आने तक तो भुन जाएगी, तो इसमें से हल्की हल्की महक आने लगेगी। अभी ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी मैं कटिंग कर देता हूँ फटाफट से, फटाफट से नहीं चाकू से। और अभी सूजी अकुर गई है, सूजी अच्छे से भुन गई और कलर भी चेंज हो गया, कलर भी हो गया चेंज और बढ़िया महक भी आ रही है। अब हम गैस बंद कर दें। और अभी हमारे जितने ड्राई फ्रूट हैं सब कटिंग हो गए, कटिंग कर ली। सबसे बढ़िया देखो कलर में ये लगता है पिस्ता है ना, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो हमारी सूजी भी भुन चुकी है अच्छे से, और ये रहा नारियल का बुरादा, तो इसी में डालेंगे हम नारियल का बुरादा, सूजी के अंदर डाल देंगे। ज्यादातर यही वाले गुजिया बनते हैं हर घर में, होली आने वाली है अब तो होली पे ज्यादातर यही बनेंगे, और ये थोड़े बहुत नहीं पूरा कंटेनर भर भर के बनाते हैं हमारे घर पे, देख दो कंटेनर भर के बनेगा, महीना भर के लिए 15 दिन के लिए। हाँ कम से कम महीना 15 दिन खाते रहो, फिर जो होली खेलने के लिए आते हैं उनको भी खिलाते हैं, अभी गुजिया खाओ इससे खाओ। और ये हमने डाल दिया खोवा, अच्छा इसके अंदर हमने खोवा भी डाल दिया अभी मावा, और मिला देंगे इन सबको अच्छे से। बनाना में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जो मसाला बनता है इसको बहुत आसान तरीके से झटपट बना लेते हैं, और गुजिया बनाना इतना आसान है कि एक बार कोई देखने पे ही बना लेगा। इन सब चीज़ों को तेल में भूंज के भी डाल सकते हो, हम तो ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही डाल देंगे, नहीं तो घी में थोड़ा सा भूनेंगे तो उसके बाद में डाल सकते। अभी मिला देंगे,
हमारी रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और हमारे इस कुकिंग वाले चैनल पे जो आप कमेंट करते हो ना कि भैया जी हमारा भी नाम लीजिए वीडियो में, तो नाम हम लेते हैं वो ब्लॉग वाली वीडियो में लेते हैं। तो अभी तक आपने ब्लॉग वाला चैनल पे नहीं गए हो तो जाइए, सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे जाइए, ये जो आ रहा है लिखा हुआ इसी पे, और बस वहाँ पे आपका जो भी कमेंट में नाम लेने की रिक्वेस्ट डालते हैं उनका हम नाम लेते हैं, और उसमें जितने भी कमेंट आते हैं नाम वाले सबके उठाते हैं। तो नाम के साथ में आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं ये ज़रूर बता दिया करें, इससे ना हमको भी पता चलेगा कि हमारे व्यूअर्स देखने वाले कहाँ कहाँ के हैं हमारे चैनल वाले। और अब हम डालेंगे तगार, एक कटोरी। ये तगार है जो मोटा वाला बूरा सा बोलते हैं ना, हाँ। वही वाला है जो मिठाई वगैरह में ज़्यादातर काम में लेते हैं इसको। ये देखो ये मोटा दाना है इसका, और ये चीनी में से ही बनता है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं, अगर मार्केट में ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको भी हम बना के आपको बता देंगे कि चीनी में से तगार को बना के कैसे तैयार करते हैं। और ये बन गया पूरा, जो गुजा के अंदर फ्लेवर आता है ना बढ़िया एकदम मस्त भर, तो इसी को भरते हैं उसके अंदर और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप कभी भी खा सकते हो, गुजा एक ऐसी चीज़ है कभी भी खा सकते हो, भूख लगे जब, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, शाम को मूवी देखते समय, सफर में, कभी भी खा सकते, महीनों तक रख सकते हैं बना के। अभी इसमें इलायची पाउडर और डालेंगे। अभी यहाँ पे हमने 4-5 इलायची, क्या इलायची लिए? 5 इलायची लिए हैं, यानी आधी चम्मच। आधी चम्मच इलायची पाउडर बनके तैयार हो गया, अभी इसको हम डाल देंगे। और जो ताजा बनाते हैं ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसमें से, बस इलायची पाउडर डालने से ही इसके अंदर दुगना स्वाद हो गया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। अभी अभी मिला दो अच्छे से, अभी ये तैयार हो गया है। तो चलिए अभी आटा लगाइए, आटा मैदा लगाते हैं। हाँ, मैदा लगा। तो अभी मैदा मैदा में डालने के लिए हमको गुनगुना पानी चाहिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेते हैं। तो अभी हमने ये मैदा लिया है, एक कटोरी मैदा लिया है, और अभी डालेंगे इसमें हम सरसों का तेल, ये हमने पका के रखा है, तो अभी देख सकते हो पकाने के बाद एकदम रिफाइंड जैसा दिखता है। ये मोहन का काम करेगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे, सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये तेल डालने से ना एकदम खस्ता बनते हैं, खस्ता। अभी अच्छे से मिला लेंगे, और जो तेल की मात्रा है इसी को मिलाने से ही पता चलेगा। अभी और डालेंगे इसमें, थोड़ा सा अभी और डालना पड़ेगा, क्योंकि जो मैदा है ना मुट्ठी बंधनी चाहिए मिलने के बाद में अच्छे से। और अभी अच्छे से मिल चुका है, और ये देखिए ऐसे मुट्ठी बंधे और टूट जाए ऐसे आराम से। अभी इसको हम गूंद लेंगे पानी डाल के, गुनगुना गुनगुना पानी है, और हम थोड़ा थोड़ा डाल के और ऐसे गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पतला ना हो, पतरो है गयो तो काम खराब है जागो, फिर मैदा है जागो ज्यादा, आई समझ में। और जो हमने बनाया इसके लिए अंदर भरने के काजू वो पच जागो कम है, ये देखो ये हमारी देहाती भाषा है, पच जागो कम है, ये कम पड़ जाएगा फिर है। अच्छे से लगाएंगे गूंद गूंद के बढ़िया तरह से, और ये देखिए कितना बढ़िया अभी लग के तैयार हो गया। गरम पानी से लगाते हैं तो रखने की जरूरत नहीं है, देखिए तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाता है। बस अब इसमें से हम पतली पतली पूड़ी जैसी बनाएंगे, फिर भुजा तैयार करेंगे, ढक के रखेंगे जैसे मक्खी वगैरह ना बैठे, और छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे, ये देखो ऐसे छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और अब हम इसको लोई बना लेते हैं, ये बन गई लोई, और ये लेंगे हम सूखी मैदा, लपेट लपेट के इसको बेलेंगे पलोतन के लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा पलोतन लगाएंगे इस पे। अभी नहीं लगाया, तो कब लगाएंगे? थोड़ा बड़ा है, जरूरत पड़ेगी जब लगाएंगे, जब चिपकेगा ये तब लगा लेंगे। अब लगाएंगे, इनको भी मैं ही बनाऊंगा, अभी सोनी बेलती जाएगी और मैं मसाला भर भर के तैयार करता जाऊंगा। तो ये
बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएंगे। अकेली सोनी कब तक बनाएगी? ये हो गई बिल्कुल तैयार। अब इसमें से गुजा बनाएंगे। अब इसमें से एक एक चम्मच मसाला लेंगे और भर देंगे गुजा के अंदर। जितना भरा जाए, एक एक चम्मच नहीं, किसी के पास छोटी चम्मच हो। हाँ तो अच्छे से भर देंगे ना, खाली नहीं रखेंगे इसको, और ऐसे भरेंगे कि ये बाहर ना निकले, अंदर ही रहे इसके, और अच्छे से भर जाए। और फिर किनारी पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। सोनी बता दिया कर, ये देखो ये साइड से ऐसे पानी लगा देंगे, पानी लगा देंगे, इससे ये छूटेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा, पैकिंग अच्छी हो जाएगी इसकी और डिजाइन भी बढ़िया निकलेगी। अब इसको अच्छे से हम दबा देंगे, अच्छे से ऐसे दबा देंगे। दबाने के बाद में बस ये हो गई कटिंग। और ये देखिए काटा, ये छुटा कर दिया, ये हमने निकाल दिया। अब निकलेगा इसमें से हमारा प्यारा सा सुंदर सा गुजा, ये आ गया देखो, पूरा भरा हुआ है ये डिजाइन। और डिजाइन कितनी प्यारी निकल के आती है, सांचे कई प्रकार के आते हैं और हाथ से भी बना लेते हैं। देखिए तो बस इनको अभी इधर रख लेंगे, उसके बाद कपड़े के नीचे दाब के रखें। अब हम दोबारा दूसरा बेल, दोबारा से ऐसे ही बनाएंगे। अभी सोनी ने इधर बेल बेल के तैयार कर दिए और हम इनको बनाते जाएंगे, जिससे थोड़ी जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। पानी जाम कर लेते हैं, इतना बड़ा क्यों रख लिया है, फुल भर दूं जिन्नत है। जो हम खोवा के मावा के बनाते हैं उनको थोड़ा कम भरते हैं, उसमें से बस एक चम्मच डाल दो काफ़ी है, लेकिन ये वाले अच्छे से भर दो। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के ये हो गया बंद, अच्छे से दबा देंगे। बस कटिंग कर दिया, गुज्जा तैयार, बहुत ही सुंदर, ये देख मस्त भरा हुआ। अब इनको हम रखते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने गुजा जितने थे सब बना के तैयार कर दिए, सब मेरे हाथों से बने हैं। ये सोनी ने बेला है और मैंने इनको पैकिंग किया है। तो ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मस्त, जी कैसे पिचको की तरफ को दबा दो कजू दे। और अभी गुजा को हम अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा तेल गरम। गैस कितनी रखेंगे सोनी? गैस मीडियम रखेंगे, गैस मीडियम रखेंगे। अभी तो फिलहाल तेल गरम हो गया है तो लो कर दिए हैं। अभी एक एक करके सावधानी से गुजा को डाल देंगे। एक कमेंट आया था कल, जो गुजा की रेसिपी हमने बनाई थी ना सोनी, कि गुजा के जो किनारे होते हैं ना नीचे वाले दो, उन पे हल्का सा छेद कर दो तो गुजा फटेंगे नहीं। वो क्या था ना, वो मावा वाले थे, इसीलिए ये वाले गुजा नहीं फटेंगे ज़्यादातर, ये आराम से सिक जाएंगे बढ़िया तरह से। ये देखिए कितने परफेक्ट सिक रहे हैं, एकदम बढ़िया मस्त। बस इसी प्रकार से अलट पलट करके इनको सेक लेंगे। बस इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी का हमने इसका जो सेकने में खाने में लगता है। सेकने खाने में कोई टाइम नहीं लगता और उसको बनाने में भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ बेलने में और पैकिंग करने में टाइम लगता है। पैकिंग करने में इतना टाइम लगा जितना बेलने में लगा। कितने मस्त सिक रहे हैं। अभी हमने गैस को फुल कर दिया है। फुल क्यों कर दिया, मीडियम रखेंगे फुल रखेंगे? ठंडा है बहुत, बीच बीच में फुल कर देंगे, मीडियम रख लेंगे। अच्छा एकदम फुल नहीं रखे। तो अब देखो अच्छे से सिक गए, सिक गए। अभी कलर भी एकदम बढ़िया आ गया, एकदम बादामी जैसा कलर आ गया ना, तो अभी इनको हम निकाल लेंगे। ये देखो कितने बढ़िया सिके हैं, अमेजिंग। ये जो बाकी के हैं इनको भी सेक लेंगे इसी प्रकार से, जितने एक बार में आएंगे तेल के अंदर उतने ही डालेंगे। ये दोस्तों अभी हमारे जितने भी गुजा थे सभी बनके हो गए तैयार। और ये देखिए कटोरी वाला टोकरी, ये हमारी टोकरी फुल हो गई। अभी फुल नहीं गई, अभी तो आम बहुत आएंगे। हाँ अभी तो आएंगे खैर। और ये देख सकते हैं एकदम ठोस भरा हुआ माल। अभी ठंडा होने दो इनको, फिर आपको हम चेक करवाते हैं। जो बाकी का जो बचता है ना एंड में, इसके हमने साग बना, तो इसकी हम साग बना लेंगे, नाश्ता के लिए हो जाएगी चाय के साथ में। ये देखिए दोस्तों अभी बन के तैयार हो चुके हैं। और ये सोनी ने इधर सजा भी दी प्लेट को पूरा अच्छे से। अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ये अभी यहाँ से हम टेस्ट करवाते हैं कि कितने हमारे एकदम खस्ता बने। ये देखो आवाज सुन सकते हैं, पूरा माल से भरपूर, और मुंह में जाते ही एकदम रस घुल जाएगा आपको, इतने टेस्टी है
ये गुजिया अभी देखो गर्म है तो आपको दिख रहा होगा, ठंडे हो जाएंगे तो एकदम कड़ाके की आवाज़ और भी बढ़िया आएगी। इस तरीके से देखो कटिंग करके भी हम देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा एकदम परफेक्ट माल निकलेगा। ये देखो, ये देखिए, अभी इनको हम बच्चों को टेस्ट करवाएंगे सुबह, फिलहाल मैं टेस्ट कर लेता हूँ और आप सब भी टेस्ट कीजिए। तो चलिए, आप सब टेस्ट कैसे करेंगे कि आप झटपट बनाइए और टेस्ट कीजिए और फिर आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे ये वाले सोनी के स्पेशल गुजा। क्या कहने, आनंद आ गया दोस्तों, आनंद कोई शब्द नहीं है, इतने ज्यादा स्वादिष्ट है ये। आप बोलोगे भैया जी आप तो हर चीज को स्वादिष्ट करते, स्वादिष्ट है इसलिए बता रहा हूँ, आप बनाइए और फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। आप सभी को आज की हमारी गुजा रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।